सिविल अस्पताल पठानकोट आए दिन किसी ना किसी कारण सुर्खियों में रहता है। ऐसा ही कुछ मामला आज सामने आया है, जहां पर डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण एक मरीज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। देखिए टुडे हेडलाइन से संवाददाता रंजना सैनी की रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, मैं रंजना, तुसी देख रहे हो टुडे हेडलाइंस। जी गल करिए सिविल अस्पताल पठानकोट दी, तां आए दिन सिविल अस्पताल पठानकोट जिहड़ा है उह किसी ना किसी कारण सुरखियां विच बणिया ही रहिंदा है, और इदां दा ही एक मामला अज फिर तो निकल के सामने आ रहा है, जिहदे विच सिविल अस्पताल पठानकोट दे डाक्टरां दी अणगहली कारण जिहड़ा है उह मरीजां अज एक मरीज जिहड़ा उह अपनी जिंदगी अते मौत दे विच जूझ रहा है। हुण जिहड़े परिवार जिहड़े इत्थे आए सीगे अपने मरीज नूं लै के उहनां दा इलाज करवाउण दे लई, दस दईए कि इक गर्भवती महिला इतने आई सी जिन्हों का पिछले 9 महीने तो ट्रीटमेंट सिविल अस्पताल पठानकोट में ही चल रहा है, परंतु डिलीवरी के टाइम के उत्ते आके जी सिविल अस्पताल के डॉक्टर वालों की गई अणगहली के कारण उन्होंने बच्चा जरा गर्भ में ही जरा खत्म हो गया। तो उन्होंने जरा डॉक्टर ने मरीज का इलाज करन तो भी इनकार करते हुए नज़र आ रहे सी, अते नाल ही मरीज के घरदिया का आरोप हैगा आ कि जेकर सिविल अस्पताल पठानकोट दे विच इदां दे जिहड़े कारण है वह आए दिन सामने आते रहते हैं, जो सिविल अस्पताल पठानकोट के डॉक्टर जिहड़े ने इदां दीआं लापरवाहियां करनगे तां आम जनता जिहड़ी आ उह किते ना किते सिविल अस्पताल पठानकोट तो दूर रहन दी ही कोशिश करेगी। उन्हां दा मरीज दे जिहड़े परिवारिक सदस्य उन्हां दा आरोप हैगा कि सिविल अस्पताल पठानकोट दे जिहड़े डॉक्टर ने उन्होंने रात नूं 1:30 बजे के करीब जिहड़ा उह बच्चे डिलीवरी करन अते नाल ही मरीज दी जिहड़ा हालत नूं देखदे होए डिलीवरी करन तों वी इनकार कीता अते उहनां दा इलाज करन तों वी इनकार कीता सीगा, जिस करके मरीज नूं अद्धी रात दे समें ही सिविल अस्पताल पठानकोट तों रैफर कर दिता गया। परंतु रैफर कित्थे कीता गया इस बारे सिविल अस्पताल पठानकोट दे डाक्टरां वल्लों कोई भी पुष्टि नहीं कीती गई, जिहदे कारण जिहड़े मरीज दे परिवार मरीज नूं लै के जिहड़ा मरीज का परिवार है जिहड़ा है मरीज नूं लै के जिहड़ा पठानकोट के किसी स्थानीय अस्पताल विच गए, जिस तों बाद उत्थे उन्हां दा इलाज करवाया गया। तो इलाज तों बाद पता चलिया कि उन्हां दा बच्चा जिहड़ा गर्भ विच ही खत्म हो चुका सी, जिस करके सिविल अस्पताल के डॉक्टर ने उन्हां दा इलाज करन तों मना किया। जदों आपां इस बारे कार्यकारी SMO नाल गलबात की तो उन्हां दा कहना हैगा कि सानू मरीज वालों जिहड़ा है ये लिखती साढ़े को कंप्लेन आ गई है, तो इस उत्ते जिहड़ी है जांच की जाएगी, तो जिहड़ा भी दोषी होएगा उन्हें सख्त तों सख्त सज़ा दी जाएगी। निर्मल सिंह है, मैं हिमाचल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से फतेहपुर का रहने वाला हूँ। मेरी वाइफ की डिलीवरी डेट थी 18th को, जब हम 18th को इनके पास आए तो उन्होंने हमें कहा कि आप 20 को सुबह 9-10 बजे के आसपास आ जाइएगा, ठीक है। 18 को इन्होंने हमारी फाइल बनाई, वो अपने पास इन्होंने डिपॉजिट कर दिया, अपने पास रख ली फाइल, हमने नहीं दी। जब कल हम 20 तारीख को इनके पास आए सुबह 9-10 बजे पहुँच गए, तो इन्होंने कहा कि आप बेड कीजिए, पेशेंट को जो अंदर ले गए, इन्होंने मेडिसिन वगैरह दी कुछ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमें कुछ नहीं, रात को हमें 1:30-2 बजे के पहले शाम को हमें कहते रहे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। 1:30 बजे जब इनको पता लगा कि बच्चा बीच में खत्म हो चुका है, तब ये हमें कहते हैं कि आप इन्हें आगे पीछे कहीं पे भी ले जाइए। इन्होंने हमें रेफरल कार्ड दिया, जिसमें इन्होंने कुछ हमें नहीं बताया कि कौन से हॉस्पिटल में लेके जाए या कहाँ पर लेके जाए। या तो फिर हम ये कहते हैं कि अगर आप लेके नहीं जाओगे तो हमें लिख के दे दो कि बच्चे और वाइफ को आपकी इधर कुछ भी हो जाए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कितने बजे की बात है जो ये रात को 1:30 बजे की बात है जब इन्होंने हमें कहा कि आप ले जाइए इधर से। आप ऐसा मिले तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हमें कहा है कि आप एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये मेरे बच्चे खून की है इन्होंने, जब अगर इनके पास की बात नहीं, इनके पास डॉक्टर्स नहीं थे ट्रीटमेंट के लिए, जब मुझे हम सुबह 9-10 बजे के आ रखे थे, ये हमें शाम को 5-6 बजे तक बता देते, 8-9 बजे तक, 10 बजे तक बता देते, हम अपना कहीं पे और करवा लेते। इन्होंने रात को 1:30 बजे हमें कह रहे हैं कि आप इसको ले जाओ, अदरवाइज हमें लिख के दे दो कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन से डॉक्टर थे? नर्सिस थी और डॉक्टर भी थी, डॉक्टर प्रिया जिन्होंने हमें रेफरल कर दिया हुआ है, और साथ में नर्स थी कैलाश मैम थी, एक नर्सिस और एक दो और थी इनके साथ। डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनका क्या नाम? डॉक्टर प्रिया थी आई थिंक। हाँ जी भाई, जी अब मेरी वाइफ जो है दूसरे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर रहा है उनका, लेकिन वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, वो अप्रोक्सीमेट सुबह 3 से 4 बजे के बीच में उधर से एडमिट है, और अभी तक उनका ट्रीटमेंट चल रहा है OT के अंदर। अगर उनके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो उसके रिस्पॉन्सिबल जो हॉस्पिटल है, ये जो ट्रीटमेंट्स कर रहे थे डॉक्टर्स और नर्सिस, ये उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। हो चुकी है, जैसे पेट में ही डेथ हो चुकी थी जब इन्होंने हमें इधर से रेफरेंस किया, हम सुख सदन में गए, उन्होंने 5 मिनट उधर टेस्ट किया अपना, कहते कि जो
बच्चे की जो है हार्ट बीट नहीं आ रही है, आप इसको रेफर कीजिए। आप रिकॉर्डिंग्स भी उधर के हॉस्पिटल्स की चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम कुमार हॉस्पिटल में गए, उन्होंने भी हाथ नहीं डाला, वो कहते हैं आप कहीं और ले जाइए। डेथ उसकी कहाँ की हुई थी, इधर हुई थी या उधर जा रही? डेथ तो पेट के अंदर ही इधर ही हो चुकी थी। इन्होंने डेथ जब हो गई है तो उसके बाद इन्होंने हमें कहा कि आप इनको रेफर ले लीजिए, आप इधर से कहीं पे ले जाइए, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेरा नाम मिलन। सर बात ऐसी हुई कि हमारी जो बेटी थी उसका ट्रीटमेंट यहाँ से चल रहा था, और जब जो डिलीवरी डेट दी थी यहाँ की दी हुई थी, जब हम बेटी को लेके आए सुबह 9 बजे पहुँच गए यहाँ पे, इन्होंने बोला कि बस आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो जाएगी। हम तो 2-3 मिनट के बाद हम पूछ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे इनको, बोले कि ठीक है आप बच्चे के कपड़े लाओ और बच्चा ठीक ठाक है। जब रात के हम इंतज़ार करने बैठे हुए थे वेटिंग रूम में, हम बार बार पूछ रहे थे, बार बार हमें यही जवाब आ रहा था। जब इनके बस से बाहर हुआ, बच्चे की हार्ट बीट इनके पेट में ख़त्म हो गया। जब हमने इनको पूछा कि जैसे कोई आपके बस की बात है, नहीं तो हम इसको आगे पीछे ले जाते, इन्होंने हमारे को कोई भी जवाब नहीं दिया। जब बच्चे की हार्ट बीट बच्चा पेट में ख़त्म हो गया, तो इन्होंने हमें बोला कि आप ऐसे करो कि इसकी दर्दें ख़त्म हो गई हैं और ये दर्दें नहीं ले रही, आप आगे पीछे ले जाओ। हम रात के उस टाइम कहाँ ले जाते, हम क्या करते उस वक्त? हमारे पास तो कोई बस की बात नहीं थी, हमारे पास ऐसा कोई भी चारा नहीं था। हमने बेटी को उठाया और उस लड़की की इतनी बुरी हालत थी कि हम किसी को बता नहीं सकते। कोई भी हॉस्पिटल वाला उसको हाथ नहीं डाल रहा था। जब हम इनके बारे में बता रहे थे तो वो कोई भी हाथ नहीं डाल रहा था। फिर बस हो के हमें 2-3 हॉस्पिटलों के बाद कुमार हॉस्पिटल मिशन में हमें एडमिट किया। जब बेटी जब बेटा हुआ तो उन्होंने पहले बोला कि बच्चा तो ख़त्म हो चुका है पेट में। फिर भी हम कोशिश करते हैं, काफ़ी उनकी मदद कर, पैर मतलब के पकड़ पकड़ के हमने डॉक्टरों को बोला प्लीज़ हमारे बच्ची को तो बता लो, वो तो बच्चा तो ख़त्म हो गया हमारा बेटा, और बच्ची को इस बच्ची को बचा लो। फिर हमने अपना खुद ही हमारे फैमिली ने ब्लड दिया और उस बेटी को वो इस वक्त जूझ रही है अभी, मतलब कि उसका नहीं पता कि वो बचेगी या नहीं बचेगी। तो हमारे साथ इतना बुरा हुआ, हमें मतलब कि न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हम हमारे साथ हुआ, किसी और बेटी के साथ ऐसा ना हो। आप कंप्लेन दे रहे हो? बिल्कुल जी, हम गए अंदर, उन्होंने बोला कि हमारे बताओ और हम रिटर्न में दे दो, हम इस पे कर दें। क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग ये करते हैं कि इतनी लापरवाही क्यों, इतने बड़े हॉस्पिटल में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? इनके बस की बात नहीं तो हमें पहले बोल देते, क्या इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन की कोई भी सुविधा नहीं है? हम इनसे पूछना चाहते हैं, हमें ये बताया जाए कि क्या इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं हो सकता था? क्यों हमारे साथ इतना इतना बुरा किया हमारे साथ? पेशेंट आया सीगा अपनी डिलीवरी वास्ते, घट का आरोप है कि डॉक्टर की इंटरव्यू करते जरा उन्होंने डेथ हुई थी। कंसर्नड परिवार वालों सानू एक रिटर्न कंप्लेन डॉक्टर के अगेंस्ट मिल गई हैगी, तो यदी असी जिहड़ा हैगा है बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स बिठा के इंक्वायरी करांगे, तो जो भी दोषी होएगा उसके खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की।